खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां बांगरमऊ क्षेत्र से निकल रही गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत रोड निर्माण में आज गुरुवार को जनपद के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरसाक्षी जी महाराज व जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा पहुंचकर पूजन कर और नारियल फोड़कर डामरीकरण कार्य का शुभारंभ कराया गया। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी के साथ जारी है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बन रहा है एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 372.600 पर डामरीकरण कार्य का शुभारंभ हुआ। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने पाकिस्तान पर तंज कसते कहा कि पाकिस्तान एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। कल तक कश्मीर मान रहे थे, आज आटा मान रहा है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बिना नाम लिए तंज कसा की सुर्खियों में बने रहने के लिए पवित्र ग्रंथ रामायण की प्रतियां जला रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले सरकारें कहती थी खजाना खाली है, किंतु योगी तथा मोदी के नेतृत्व में चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। उन्नाव से आर सोनी न्यूज के लिए मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। आयंत देव पूजार्थम दुरितर्चय कारका गंगे चिमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। आज 5 बजे से बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस महत्वपूर्ण दिवस में हमें शुभाशीष प्राप्त हो रहा है हमारे जनपद के सर्व हृदय प्रिय सर बहुत ही लोकप्रिय सांसद माननीय साक्षी महाराज जी का। उनके द्वारा आज हम सभी के साथ मिलकर के जो गंगा एक्सप्रेस वे जो मेरे ख्याल से शासन की हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता इसकी आवश्यकता के दृष्टिगत है। गंगा एक्सप्रेस वे का जो 373 पॉइंट है, ये 1.5 किलोमीटर का पहला प्रथम पैच है। मैं ये बताना चाहूंगी जहाँ पर डामरीकरण किया जा रहा है, ये ग्रुप 3 ग्रुप 4 दो ग्रुप में है हमारे जनपद में। 105 किलोमीटर की लंबाई में ये कार्य हो रहा है। पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप और दूसरा ग्रुप ITDC दोनों ही सतत रूप से और हम लोगों के द्वारा भी जो फैसिलिटेशन का कार्य है वो लगातार रूप से पर्यवेक्षण किस प्रकार से कार्य किया जाना है और समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सके, ताकि आप सभी हम सभी जनपद वासियों के लिए जैसा कि मैडम ने भी बताया एक गौरव मध्य में उपस्थित हुआ। सारे का सारे विश्व बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांग रहा था वो आज आटा मांग रहा है। खाने के लिए रोटी नहीं है। कई देश बड़े बड़े आपस में लड़ रहे हैं प्रतिस्पर्धा में, मंदी की मार झेल रहे हैं देश जिन्होंने हमें